मानवता, धर्म और कुदरत के बनाए नियम के अनुसार जीवन जीने की सीख देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने इंदौर में संदेश दिया कि कामी और क्रोधी मन ही इंसान के पतन का कारण है। जब से कर्मों का विधान बना है, तब से मलिनता आ गई है। वो तो संतों की वजह से ये धरती टिकी है, वरना अब तक क्या से क्या हो जाता। नामदान लेने के बाद कोई भी मांस मछली अंडा और शराब या नशे की चीज़ों का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी और शरीर भी रोगी हो जाएगा। कुदरत सब सजा दे देगी और दूसरों के औरतों से बचे रहना, बच्चों दूसरे पुरुष पुरुष से बचे रहना, उससे भी बहुत कर्म आ जाते हैं। आप उस चीज को नहीं समझ सकते हो, इसको तो कोई साधक ही समझ सकता है। आपको आवेश में आ जाते हो, आप अपने मन को चंचल कर लेते हो, आपका मन काम क्रोधी हो जाता है, फिर वही पतन का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। शरीर का भी क्षय होता है, नाश होता है, मान सम्मान भी खत्म होता है, धन का ह्रास होता है। इसलिए ऐसा काम क्यों करने का? कर्मों का विधान जब से बना, तब से जीव के ऊपर कर्मों का बड़ा प्रभाव आने लग गया, बड़ी मलिनता आने लग गई। वो तो संतों की दया होती रही, सत्संग मिलता रहा, उनकी दृष्टि जीवों पर पड़ती रही, इससे अनेक कुछ थोड़ी जागृति बनी रही। गुरु महाराज ने देखो प्रेम में कितना मेहनत किया और उसी का फल है कि आज आप सुबह सुबह ठंडी के महीने में यहाँ आ गए, उसी का फल है, उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने आपको खींचा, हमको भी उन्होंने खींचा, संत मत की एबीसीडी भी हम नहीं जानते थे, लेकिन खींचा किसी न किसी बहाने से। तो समझो कि संतों की वजह से ये टिका हुआ है, ये धरती टिकी हुई है, नहीं अब तक तो बहुत कुछ हो गया होता। तो वो नहीं चाहते हैं, गुरु महाराज नहीं चाहते हैं, और ये जितने संत हैं जो गए यहाँ काम करके, आत्मा उनकी कभी खत्म थोड़े होगी, वो तो अब भी हैं। आप कोई साधना में देखना चाहोगे, उनको याद करोगे तो मिलेंगे आपको, और यहाँ जो शरीर में थे उसी शरीर में दिखाई पड़ जाएंगे आपको। साधना करके तो देखो, उस विद्या का ज्ञान तो आप ले लो। दुनिया की विद्या अन्य समझो कि जो नाशवान है, अन्य समझो उस विद्या के आगे बहुत ओछी है। एक तरह से सच हुआ है और झूठ यह है, इसके पीछे तो दौड़ते रहते हो, इस पर रिसर्च करते रहते हो, इसकी डिग्री डिप्लोमा लेते रहते हो, लेकिन यह विद्या आपकी सब जगह काम नहीं आ सकती। आप हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, आप ये समझो कि अन्य भाषा पढ़ते हो, दूसरे देश में जाओगे तो आपकी बातों को न कोई समझेगा ना आप समझ पाओगे। आप समझो कि हर देश में, मैं तो कई देशों में गया, हर देश में मैंने देखा कि वहाँ कोई एक भाषा है ही नहीं, एक भाषा को कोई समझते नहीं। कि कहते हैं अंग्रेजी सब जगह, अंग्रेजी सब जगह, अंग्रेजी नहीं समझते, हिंदी भी नहीं समझते। चाइना में चले जाओ तो चाइनीज ही जानते हैं वो, और कोई ना हिंदी समझते ना अंग्रेजी समझते हैं। आप समझो कि अन्य देशों में चले जाओ तो वहाँ की अलग अलग भाषाएं। तो ये जो भाषा है, कितना भी 10-20 तरह की भाषा का ज्ञान कर लो, आप सीख जाओ, तो ये सब जगह काम आने वाली भाषा नहीं है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक विद्या है, या आध्यात्मिक ज्ञान है, या आध्यात्मिक धन है, ये सब जगह बच्चों आपके काम आएगा। इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई तो आप करो, पढ़ाई हम नहीं छुड़वा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये विद्या का ज्ञान कर लो, ध्यान भजन सुमिरन करके अपने सूरज को चढ़ा लो, और जब इसमें तरक्की हो जाएगी तो उसमें भी तरक्की हो जाएगी। क्योंकि विद्या तो ऊपर से ही उतरी है, ये अक्षर तो ऊपर से ही आए हैं, तो जब ऊपर का पढ़ लोगे तो ये सब अपने आप जल्दी से समझ में आने लगेगा। जिसको आप रटते हो, याद करते हो, दिमाग दौड़ाते हो, सोचते हो कि इसके बाद क्या है, इसको हम कैसे अनसॉल्व करें, इसका उत्तर हम कैसे लिखें, क्या दें, ये अपने आप आसान हो जाता है। किसी ने सवाल किया नहीं कि जवाब मुझसे फट से निकलता है,
नहीं भी उसको देख पाओ कि इसका जवाब क्या है, तो भी तार जुड़ जाता है जब वहाँ पहुँच जाते हैं साधक। आप विश्वास करो, आपको देखो जिस जगह पर मैं हूँ, ऐसे जो भी लोग आए इस काम को किए, किसी से धोखा नहीं मिला, आपको धोखा मिलने वाला नहीं। जो बात मैं इस जगह पर बैठ करके बोलूँगा उसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा, समझो। वैसे भी मैं धोखा का काम नहीं करता हूँ, किसी से धोखा का काम ठगी नहीं करता हूँ, हर जीव का भला चाहता हूँ। आप समझो कि पशु पक्षी क्या, कीड़े मकोड़े चींटी, इनको भी बचाने की बस सब कोशिश करता हूँ। तो आप समझो कि आपको धोखा नहीं मिलने वाला, विश्वास करो आप।